गुड मॉर्निंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक. सो देर आर मेनी कैंडिडेट्स, दोज आर अपीयरिंग फॉर स्केल टू एंड स्केल थ्री एग्जामिनेशन इन IBPS RRB. एंड सम ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड मी, सर यू शुड स्पीक अबाउट दीज कैंडिडेट्स ऑल्सो. योर शेड्यूल्स आर नॉट फोकस्ड ऑन अस. एक्चुअली फॉर स्केल टू स्केल थ्री द प्रिपरेशन इज ऑन डिफरेंट लाइन्स. And that's why I am not able to cover the main and predominant focus. There is your banking knowledge. For banking knowledge, I have already advised in my previous videos that I have on this channel banking, financial and economic awareness playlist. So watch as much as videos you can from that playlist. That is going to help you in banking paper. As regard other papers, the preparation is similar. So there is no need that we should discuss the specifically for scale 2, scale 3 separately. When we are talking about IBPS officer, so scale 2, scale 3 are also officers. So they can take out that schedule that is common in your paper along with scale 1 paper. So that is the idea. For us, each and every subscriber is equally important. And I pray for your success, and my good wishes are with you if you are appearing for scale 2 and scale 3 examination. God bless you with success. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. हमारे चैनल पे बहुत सब्सक्राइबर हैं जो IBPS RRB scale 2 scale 3 का एग्जाम दे रहे हैं. उनमें से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर कभी हमारे लिए भी आप वीडियो बनाइए, हमें भी बताइए क्या करना है. देखिए ऑलरेडी हमारे सारे वीडियोस चल रहे हैं बैंक एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है. स्केल टू थ्री के लिए भी वही वे है. जब हम ऑफिसर वर्ड यूज करते हैं तो ऑफिसर इंक्लूड्स स्केल वन, स्केल टू, स्केल थ्री, एनी एग्जामिनेशन. तो जो पेपर सेम है उनकी सेम प्रिपरेशन होगी. ठीक है, जो स्केल टू स्केल थ्री में ज्यादा फोकस है बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स नॉलेज के ऊपर, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट दी हुई है. उन वीडियोस को आप देखिए, उससे आपको फायदा होगा. तो अलग से इसलिए शेड्यूल चलाने का फायदा नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है पेपर. तो आप जो हमारा ऑफिसर वाला जो भी शेड्यूल चल रहा है उसमें से जो पेपर आपके कॉमन है उसको वो फॉलो करेंगे, प्लस बैंकिंग की नॉलेज एक्वायर करेंगे. मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं. ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कम है तो आप पे फोकस नहीं है. ये कुछ लोगों ने लिखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप कहीं रिजर्व लिस्ट का कैंडिडेट है, सिर्फ सैकड़ों में ही हैं. उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारी बात को रखिए, मैंने उस पर वीडियो बनाया. नंबर से नियम चलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को निकाल दीजिए. हमारे लिए हर एक सब्सक्राइबर इम्पॉर्टेंट है. अगर कोई ऐसा विषय है जिसमें सिर्फ 10 सब्सक्राइबर को भी फायदा होता है उस पर भी हम वीडियो बनाते हैं. जैसे LIC इम्पैनल लिस्ट की बात थी, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी बीच बीच में मैं उनको बता रहा था कि अभी कोई अपडेट नहीं है. अब जैसे ही अपडेट आई है हमने वीडियो बनाई है. अब वेट लिस्ट के कैंडिडेट होते हैं, वो कितने होते हैं, गिने चुने होते हैं. SBI जूनियर एसोसिएट के हर वेट लिस्ट पे हमने वीडियो बनाई है. तो ऐसा बिल्कुल मन में विचार ना लाएं. आप सारे लोग उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने दूसरे. हर व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है, आपकी हमेशा इम्पोर्टेंस रहेगी. ये आपका चैनल है. गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. आप स्केल टू स्केल थ्री के लिए तैयारी कर रहे हैं. जो जो कंटेंट इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम के साथ मैचिंग है उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें. God bless you all.